The Tales from Panchatantra. बहुत पुरानी बात है, एक तालाब में तीन मछलियाँ प्रत्युषा, पद्मा और मैत्री अन्य मछलियों के साथ रहती थीं। एक दिन कुछ मछुआरे तालाब के पास से गुजर रहे थे। उनमें से एक मछुआरे ने कहा, लगता है इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, कल सुबह आकर हम यहाँ जाल बिछाएंगे। और ये बात प्रत्युषा ने सुन ली। फौरन उसने सभी मछलियों के साथ बैठक बुलवाई और बोली, हमें ये तालाब जल्द से जल्द छोड़कर जाना पड़ेगा, यहाँ हमारी जान को खतरा है, कल सुबह कुछ मछुआरे आकर यहाँ जाल बिछाएंगे। इतना सुनकर पद्मा बोली, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, हमें यहाँ अब नहीं रहना चाहिए। ये बात मैत्री को बिल्कुल पसंद ना आई और वो गुस्से में आकर बोली, बिल्कुल नहीं, ये तालाब हमारे पूर्वजों का है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। और इस तरह मछलियां दो गुटों में बंट गईं। प्रत्युषा और पद्मा कुछ मछलियों के साथ वो तालाब छोड़कर चली गई। अगली सुबह मछुआरे आए और जाल बिछाकर बहुत सी मछलियों को ले गए, जिनमें से एक मैत्री भी थी।